दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पे दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और पेट्रोल पंप से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज 4 दिसंबर है और आज काफ़ी स्टेट्स में ड्रॉ फ्लॉट्स स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो मेरे थ्रू एप्लीकेशंस किए थे। और साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है, आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा और साथ ही इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करनी पड़ेगी। इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट वो अमाउंट है जो आपका भी जो भी आपके लोकेशन पे सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उसका 10% आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनी 10 डेज का टाइम देती हैं। विद इन अ 10 डेज आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन का जो भी आपने एप्लीकेशन में दिया होगा डिटेल, वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। साथ ही दोस्तों, बात करें प्लॉट की, जो भी आपने प्लॉट शो किया होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। दोस्तों, इसके साथ ही अब आप आगे के कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें आपको ध्यान देना है। दोस्तों, बात करें तो जो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे और जो भी इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो भी ऑनलाइन ही पे किया जाएगा। दोस्तों, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इसी टाइम आपका LEC और फील्ड वेरिफिकेशन क्रेडेंशियल भी होना है। तो इसको कराने के बाद दोस्तों, आपको LOI इजिली मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपकी ठीक रही तो आपको LOI मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको LOI के स्टेज पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि LOI मिल जाएगी तो उसको फिर उसमें जो भी NOCs लगेंगी उसको कैसे लेना है। तो दोस्तों, NOCs के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। NOCs का जल्दी ही वीडियो आने वाला है कि किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और कौन कौन से NOCs लेने हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं, क्योंकि ये जो पेट्रोल पंप का बिजनेस है, काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। इसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ हाई इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट हैं, बहुत सारे ऐसे LOI होल्डर्स हैं जिनको किसी के फाइनेंस की ज़रूरत है और आपके पास फाइनेंस नहीं है। इस केस में दोस्तों, आप LOI स्टेज पे ही पार्टनर इंडक्ट कर सकते हैं, आउटसाइड पार्टनर इंडक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप OBC या ओपन कैटेगरी से हैं, तो इस केस में अगर आप चाहते हैं कि बाहर से कोई पार्टनर हम इंडक्ट कर लें जो हमें फाइनेंस करे, या उनकी ज़मीन हो, और अगर वो चाहते हैं कि वो भी आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो उनको दोस्तों आप इजली एज ए पार्टनर इंडक्ट कर सकते हैं। इसका एक प्रोसीजर है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। LOI स्टेज पे दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूशन करके आप आउटसाइड पार्टनर को इंडक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ओपन कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी से हैं, तो इस केस में दोस्तों जो भी आप आउटसाइड पार्टनर इंडक्ट करेंगे, उसमें 49% का शेयर उनको आप दे सकते हैं मैक्सिमम। जिसने भी एप्लीकेशन फॉर्म किया हुआ है, फॉर्म जिन्होंने फिलअप किया हुआ है, उनके पास हमेशा 51% का शेयर रहेगा। ठीक है, अगर दोस्तों कोई SC एप्लीकेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि आउटसाइड पार्टनर इंडक्ट करें, तो इस केस में दोस्तों वो SC, ST, ओपन और OBC कैटेगरी के लोगों को
आउटसाइड पार्टनर बना सकते हैं। बट दोस्तों इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो भी आउटसाइड पार्टनर होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ 25% का, उनको सिर्फ और सिर्फ 25% का शेयर मिलेगा। जो अप्लीकेंट है उसको 75% का शेयर मिलता है। तो दोस्तों अगर आपकी फाइनेंशियल इशू है तो आप एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंडक्ट कर सकते हैं एलओआई स्टेज पे। ये दोस्तों बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सारे लोगों का क्वेरीज आया था मेरे पास कि सर मैं किसी दूसरे का सपोर्ट लेके किसी अदर पर्सन का, जो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है बट मैं चाहता हूँ कि उनको इसमें पार्टनर बना लूँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बना के आप जो है उनको पार्टनर बना सकते हैं। दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अपने रूल्स हैं, कुछ उनकी फीस पे करनी पड़ती है, वो फीस, वो डॉक्यूमेंटेशन, उन रूल को फॉलो करके आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं एलओआई स्टेज पे ही और एज ए पार्टनर उनको इंडक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या फिर इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट अपलोड करने में या पे करने में कोई भी इशू आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, जो भी आपके ऑयल मार्केटिंग के सेल्स ऑफिसर हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके दोस्तों आप ये सारी चीज़ें, जानकारियाँ जो भी हो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि एलवाई स्टेज पे ही आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर लें, अदरवाइज आने वाले टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर एक बार एलओआई हो गई स्पेशली ओबीसी कैटेगरी के लिए और ओपन कैटेगरी के लिए, इस केस में दोस्तों आप 2 से 2.5 साल के बाद ही रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एलओआई स्टेज एक ऐसा स्टेज है, एलओआई के टाइम ही आप पार्टनर इंडक्ट कर सकते हैं। पार्टनर इंडक्ट करने का क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस हैं, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनने हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप अपने सेल्स ऑफिसर से या मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप डीलर हैं जो पेट्रोल पंप चला रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन करके उसमें अपना शेयर ले लूं। अगर एलओआई होल्डर चाहता है तो आप इजिली रिकॉन्स्टिट्यूशन करके आप उसका पार्टनरशिप, उस रिटेल आउटलेट के लिए पार्टनर्स बन सकते हैं और उसमें आप शेयर ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे अभी मेल नहीं आया हुआ है, उनके पास भी मेल आने वाला हुआ है, एमपी, राजस्थान, तेलंगाना और दोस्तों कुछ स्टेट जहाँ पे इलेक्शंस थे इसकी वजह से वहाँ पे मेल नहीं आया हुआ था। जैसे ही दोस्तों अभी इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और जल्दी ही आपके पास मेल आएगा। मोस्टली इस दिसंबर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मेल सिलेक्शन के लिए, ड्रॉ फ्लॉट्स के लिए आ जाएंगे। तो दोस्तों जिनकी भी क्वेरीज है कि बिहार में कब आएगा, पश्चिम बंगाल में कब आएगा, हरियाणा में कब आएगा, तो दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी ही आपके पास मेल आएगा। एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, अगर किसी एडवर्टाइज लोकेशन में ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के लोग हैं तो सबसे पहले ग्रुप 1 वालों को ये मेल जाएगा। अगर ग्रुप 1 के जितने भी अप्लीकेंट्स हैं अगर वो सुटेबल नहीं पाए जाते हैं, इस केस में ग्रुप 2 वालों के पास मेल जाएगा। अगर ग्रुप 2 से कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता है तब जाके ग्रुप 3 वालों को मेल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है, मेरे पास मेल आ रहा है, कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे यहाँ कब स्टार्ट होगा, तो दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप वेट कीजिए और जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। दिसंबर के इस महीने में मोस्टली स्टेट्स में सिलेक्शन प्रोसेस, ड्रॉप प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो के लिए वीडियोस को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।